आज हम बात करेंगे एलिमेंटर टेम्पलेट किट्स के अबाउट, बेसिकली वो क्या होती हैं और किस तरह से उनको यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे एलिमेंटर टेम्पलेट किट्स के अबाउट, बेसिकली वो क्या होती हैं और किस तरह से उनको यूज करते हैं और क्या फ़र्क है एलिमेंटर के थीम के अंदर और एलिमेंटर किट्स के अंदर। तो बेसिकली एलिमेंटर जो थीम होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर तमाम जो है वो हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ और तमाम चीज़ एक ही पैकेज के अंदर मिल जाती हैं, जैसे सिंपल हमने इंस्टॉल करके वन क्लिक के साथ इंपोर्ट करना होता है और तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं, राइट। जबकि जो एलिमेंटर किट्स होती हैं वो हमें बेसिकली यूँ समझे डिज़ाइंड एलिमेंटर की जो टेम्पलेट्स होते हैं वो एक्सपोर्टेड फॉर्म के अंदर मिलती हैं, जिनको हम मतलब वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। हेडर का एक अलग से टेम्पलेट किट होगा, फुटर का एक अलग से टेम्पलेट किट होगा, पूरे वेब पेज का, अबाउट का, सर्विसेज का अलग से टेम्पलेट किट होगा। तो उस एक ही पैकेज के अंदर सारी किट्स मौजूद होती हैं, मतलब डिज़ाइंस ही होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो चले इसको किस तरह से आपने करना है और किस तरह से इसको देखना है उसके लिए हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, हमें सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे वेबसाइट वो बिल्कुल एम्प्टी है हर बार की तरह। तो मैं बताना चाहूँगा कि एलिमेंटर किट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं, सिमिलरली थीम्स की तरह। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हम पेड एलिमेंटर किट्स हमें मिलेंगी वो यहाँ से मिलेंगी। यहाँ पे अगर देखें ये टेम्पलेट किट्स के नाम से हम आए तो यहाँ पे देखें ये टेम्पलेट किट्स या एलिमेंटर किट्स एक ही होती है। तो इनको किस तरह से आपने यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा एड न्यू और इन्वेटो के नाम से, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ इन्वेटो। इन्वेटो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, इन्वेटो एलिमेंट्स एलिमेंटर टेम्पलेट्स। इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, एक्टिवेट करने के बाद सिंपल मेरे पास यहाँ पे इसका ऑप्शन आ गया एलिमेंटर और यहाँ पे देखें डिफरेंट टेम्पलेट किट्स मौजूद है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक पेज बनाता हूँ और कोई भी पेज बना लेता हूँ। लेट्स से मैं एक पेज बनाता हूँ, होम पेज या अबाउट पेज या वट एवर जो भी हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। मैं होम पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इस होम पेज को कर लिया, अब मैं सिंपल यहाँ पे वापस आऊँगा। अच्छा, इन्वेटो एलिमेंट्स का जो है ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमें दूसरा प्लगइन डेफिनेटली सी बात है हमें एलिमेंटर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, हमने डिलीट किया हुआ है। तो हम यहाँ से सिंपल एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एलिमेंटर हमने एक्टिवेट कर लिया। तो हम वापस इन सब ऑप्शंस को छोड़ के हम वापस डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें यहाँ पे एक थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। और ये वाली जो टेम्पलेट किट्स हैं वो हेलो एलिमेंटर पे ही कंपैटिबिलिटी शो करती हैं और इसी के ऊपर अच्छी चलती हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल एक्टिवेट कर देंगे, इंस्टॉल हमने ऑलरेडी किया हुआ था। ओके, तो अब हम इसको जब रीलोड करेंगे तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी आ जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, जैसे मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँगा तो हमें अब की बार एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये लीफ वाला ऑप्शन, इन्वेटो वाला। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट किट्स नज़र आएंगे, इंस्टॉल किट्स, हमने कोई भी इंस्टॉल नहीं की हुई, प्रीमियम किट्स, ये वो सारी किट्स हैं जो आपको पे करके लेनी पड़ेंगी या यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेंगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। और ये है फ्री किट्स, राइट। तो इन फ्री किट्स को आप देख सकते हो। लेट्स सपोज मैं इस जो डिज़ाइन है इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, इस किट को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ कि ये किस तरह की किट है, किस तरह का इसका डिज़ाइन है, तो फिर मैं चूज़ करूँगा कि ये मुझे इंस्टॉल करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, ये है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये एक अच्छा डिज़ाइन है, लेट्स सपोज मुझे एक फास्ट फूड का वेबसाइट बनाना है, तो ये एक अच्छा किट है, अच्छा डिज़ाइन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूँ
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मैं सिंपल इस पर व्यू किट कर दूंगा। व्यू किट करने के बाद सिमिलरली सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें जो एलिमेंटर प्रो है वो भी रिक्वायर्ड है इन टेम्पलेट्स के लिए। कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जिनके लिए एलिमेंटर प्रो रिक्वायर्ड है, कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जिनके लिए एलिमेंटर प्रो रिक्वायर्ड नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आया और मैं अगर इसके ऊपर जाऊँ, अगर मुझे ये टेम्पलेट किट यूज़ करनी है तो मैं इसके कंपैटिबिलिटी देख सकता हूँ यहाँ से कि इसके लिए एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों चाहिए, राइट। अगर मैं किसी और टेम्पलेट किट की तरफ जाता हूँ, लेट्स से मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर चाहिए, राइट, हमें प्रो की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से किट्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज़ करना है। लेट्स से मैं यही टेम्पलेट किट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल डाउनलोड करूँगा और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, राइट। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको इम्पोर्ट करने से पहले ये एक प्रीमियम टेम्पलेट किट थी। अब यहाँ पे देखें, ये हमें ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड किट आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ इस इंस्टॉल्ड किट को डिलीट कर देता हूँ। वापस आता हूँ यहाँ पे और मैं जाता हूँ इंस्टॉल्ड टेम्पलेट किट्स पे और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब आप फ्री वाले किस तरह से यूज़ करोगे, जैसे आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सॉरी मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये मुझे अपलोड के लिए कहेगा, लेकिन जो मैं फ्री वाली टेम्पलेट किट्स हैं वो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। ये फ्री वाली काफ़ी सारी यहाँ पे पड़ी हैं, तो जिनके ऊपर एलिमेंटर प्रो रिक्वायर्ड ना हो, तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस पड़े हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो मैं अभी पेड यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, बल्कि मैं इसको यहाँ से उठा के जो मैंने डाउनलोड की थी यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। ये सही से ड्रॉप हुई नहीं, ओके आई गेस मुझे मैन्युअली ही करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड में जाता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद सेम जिस तरह से थीम प्लगइन्स रिक्वायर्ड करता था, ये भी प्लगइन्स रिक्वायर्ड करेगी, जो भी इसे रिक्वायर्ड होंगे वो हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, एलिमेंटर प्रो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ये बारी बारी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और दोबारा से इसको ज़रा मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो रिक्वायरमेंट्स मेरे ख्याल से यहाँ से सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा हमें, तो इसका मतलब है हमारी सारी जो वो है रिक्वायरमेंट्स इस किट के लिए वो इंस्टॉल फुलफिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें, फुटर अलहदा से डिज़ाइन है, अलहदा से उसका सेक्शन डिज़ाइन है, इसको जस्ट हम इम्पोर्ट कर सकते हैं जिस तरह से ये हमारे पास। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ, हमारे पास ये एक थीम है। अब लग से मुझे होम पेज डिजाइन करना है, तो मैं इसको यूज करते हुए किस तरह से होम पेज डिजाइन करूंगा, हेडर से लेके फुटर तक। तो मैं सिंपल सबसे पहले आ जाऊंगा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे फुल कैनवेस के ऊपर आ जाऊंगा, टाइटल को हाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, इंस्टॉल किट हमारे पास ये। अब सबसे पहले हमारे पास जो है नेविगेशन बार होता है, मैं यहाँ पे देखूंगा ये रहा हमारे पास हेडर, मैं इसको सिंपल इम्पोर्ट कर लूंगा। अच्छा ओके, यहाँ पे देखें जो हेडर इंपोर्ट हुआ है, इसका जो डिज़ाइन है वो मिसप्लेस है, इसके जो कलर्स हैं वो नहीं है। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और इंस्टॉल किट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल किट्स, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, जिससे हमारे पास इस जो किट है उसके डिज़ाइन भी आ जाएंगे। तो मैं इसको ज़रा अपडेट कर देता हूँ और इसके बाद हमें होम पेज चाहिए, तो मैं सिंपल अगेन जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये होम पेज रहा, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये कंप्लीट होम पेज उसी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा।
तो ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि कितनी आपकी इंटरनेट स्पीड है, और उस हिसाब से ये कंप्लीट जो होम पेज है हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो वन बाय वन हम इस तरह से किट्स को इंपोर्ट करेंगे। अब अबाउट की मुझे अबाउट डिज़ाइन करना है तो अबाउट का मैं पेज बनाऊंगा, एडिट विद एलिमेंटर करूंगा और वहाँ पे सेम यही काम दोहराऊंगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास अबाउट का जो है वो यहाँ पे ये पेज है सिंपल, मैं वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दूंगा एज इट इज़ राइट। तो ये 93% हो चुका है और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारा जो ये टेम्पलेट किट है वो उस तरह से नहीं है जैसा प्रीव्यू में हमें नज़र आ रहा था बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन। यहाँ पे देखेंगे आप तो इस तरह से ये शो नहीं हो रहा। तो ये टेम्पलेट किट्स के अंदर एक कॉमन इशू है जिनको हमने फिक्स करना है। तो मैं बताऊँगा आपको कि इनको किस तरह से फिक्स करना है। तो चलिए इसको मैं ज़रा अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं वापस चलता हूँ बैक एंड पे और यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग्स के ऊपर। तो सबसे पहला काम, अगर आपका जो स्टाइल है वो उस तरह से प्रीव्यू की तरह नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम आपने सेटिंग्स के अंदर आना है टेम्पल एलिमेंट्स के, और यहाँ से हमने अपनी डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंटर है इसको डिफ़ॉल्ट किट पे सेलेक्ट करके सेव कर देना। ओके, तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्वर लिमिट्स, क्या यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आ रहा हमें? तो मैं अब इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो इशू आ रहे हैं, एक एलिमेंटर प्रो और यहाँ पे हमारे पास परमालिंक। परमालिंक का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें पोस्ट नेम पे सेट होना चाहिए। मैं इधर जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग सेटिंग्स, सॉरी परमालिंक्स, परमालिंक्स पे जाऊंगा और यहाँ से सिंपल इसको पोस्ट नेम पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है रिलोड करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो स्टाइल है वो वापस आया है नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर मज़ीद मुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, उनको मैं करूँगा। ओके, स्टिल हमारे पास सेम वही इशू आ रहा है। तो मैं वापस जाऊंगा और अगेन मैं यहाँ पे टेम्पलेट किट्स में, सॉरी एलिमेंट्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास जो है सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे अगेन हमारे पास एलिमेंटर प्रो रहता है। तो वो कह रहा है सम ऑफ द टेम्पलेट्स आर रिक्वायर्ड एलिमेंटर प्रो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एड न्यू अपलोड, और मेरे पास जो एलिमेंटर प्रो अवेलेबल है मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको देखने के लिए। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंटर प्रो अवेलेबल है, इसको मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा। ओके, हमारा एलिमेंटर प्रो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं सिंपल एक्टिवेट करूँगा। ओके, तो ये एलिमेंटर प्रो भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में, सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद अब मैं देखूँगा यहाँ पे कोई और रिक्वायरमेंट्स तो नहीं रह गई। तो यहाँ पे देखें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अब मेरा जो डिज़ाइन है वो वापस आ जाना चाहिए। अगर स्टिल नहीं आया तो फिर हमारे पास कुछ और स्टेप्स हैं वो हमें करने पड़ेंगे। तो चलें स्टिल देख लेते हैं कि हमारा जो इशू है वो कंप्लीट सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ओके, स्टिल आई गेस हमारे पास सेम वही इशू है। तो मैं वापस जाऊंगा, इसको मैं यहां से कट कर दूंगा इस बार। और अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहां इंस्टॉल किट्स के अंदर जाऊंगा और सिंपल मैं इस पर व्यू किट करूंगा। व्यू किट करने के बाद यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट अगेन करूँगा। ये हमारे पास जो ग्लोबल किट स्टाइल है इंपोर्ट अगेन हो गया। अब की बार मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जो है हमारे पास ये होम पेज इसको इंपोर्ट अगेन कर दूंगा मैं यहाँ पे, या मैं इसको सिंपल व्यू भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैंने व्यू किया, व्यू करने के बाद यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर हमारे पास कुछ और स्टेप्स होंगे जिनको हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे।
अब की दफ़ा देखें हमारे पास जो हमारे डिज़ाइन हैं वो वापस आ चुके हैं। अब अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे अपने पास जो हमारे होम पेज था, ये वाला होम पेज जो हम डेकोरेट कर रहे थे, और अब की बार मैं इसको जब एडिट विद एलिमेंटर करूँगा या प्रीव्यू करूँगा तो ये हमारा फिक्स हो चुका होगा, राइट। इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा और अब ये एग्जैक्टली उसी तरह से ही शो हो रहा होगा जिस तरह से हमने प्रीव्यू के अंदर देखा था। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से जो भी डिज़ाइन है वो आ चुका है। अब जितने भी पेजेस आप मज़ीद बनाएंगे उनको मेन्यू के अंदर शो करवाएं और उनको उनके ऊपर उनकी जो किट है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एलिमेंटर टेम्पलेट किट्स की समझ आई होगी। इसको अगर आपने मज़ीद डिटेल के अंदर लर्न करना है, एलिमेंटर टेम्पलेट किट्स के अबाउट जानना है, इसके इश्यूज़ को सॉल्व करना है, तो मज़ीद आप नीचे मैं यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज के अंदर कुछ लिंक्स अटैच कर दूंगा, वहाँ से जाके आप मज़ीद इसके अबाउट सीख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी एलिमेंटर टेम्पलेट किट्स की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।